कैसे आप सभी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं दीपाली पीजे के हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की पाठ संख्या 11, जिसका नाम थे सवैये, जो कि लिखा है रसखान ने। रसखान के बारे में मैंने आपको बताया कि वो, उनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था और वो मुस्लिम जाति के थे। मुसलमान जाति के होते हुए भी उन्होंने अपनी सभी रचनाएँ कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति दर्शाते हुए करी है। कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना थी रसखान की और कृष्ण की लीलाओं को, उनके बचपन की क्रीड़ाओं को और गोकुल की सारी प्राकृतिक दृश्य को उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। तो हम उसके दो काव्यांश पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ रहे हैं भाग दो में उसका तीसरा काव्यांश। तो तीसरा काव्यांश है, मोर पका सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल घरे पही होगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वालिन सन फिरोगी, भावतो रोही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। अब इसके हम अर्थ देख लेते हैं। मोर पखा यानी कि मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। उसके बाद गुंज यानी कि गुंजी, गुंज होता है जो गुंज की माला होती है, गुंजों की, मतलब समूह बने हुए होते हैं गुच्छों जैसे। उसके बाद गरे यानी कि गले में, गरे का अर्थ होता है गला। पीतंबर यानी कि पीला वस्त्र। गोधन यानी कि गाय। भावतो अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला, भावतो यानी कि मन को भाने वाला। स्वांग रूप धारण करना, अलग अलग प्रकार के रूप धारण करने को हम कहते हैं स्वांग। अधरान होठों पर, अधर, अधर का अर्थ क्या होता है होठ, तो होठों पर। धरी यानी रखी गई, धरोंगी यानी रखूंगी। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि गोपियां कृष्ण की वेशभूषा, गोपियां जो है वो कृष्ण की वेशभूषा धारण करना चाहती हैं। तो इस काव्यांश में गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम को, उनके जो भी वस्त्र है उनको धारण करने की बात कही गई है। तो कहते हैं कि कृष्ण प्रेम में एक गोपी अपनी सखी से अनुरोध कर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है। वह श्री कृष्ण के भांति ही, श्री कृष्ण का जो रहन सहन है, जो वस्त्र है, जो आपने सभी ने देखा ही होगा कि वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, पीली ही धोती पहनते हैं और पीला ही उनका अंगोछा होता है और सिर पर मोर का मुकुट धारण किए होते हैं, हाथ में बांसुरी होती है। तो इस प्रकार का जो ये जो दृश्य है, जो चरित्र है कृष्ण भगवान का, यही गोपियाँ धारण करना चाहती है। तो कह रहे हैं कि मोर पका सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल घरे पहरोगी, पहरोगी यानी कि पहनना। तो गोपियाँ कह रही है कि वह कृष्ण के समान पीताम्बर धारण करके, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लिए, श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर मुकुट और गले में गुंजाओं से बनी माला धारण कर लेगी। गोपियाँ कह रही कि हम भी श्री कृष्ण के समान ही मोर पर मुकुट धारण करेगी और गले में गुंजर की माला पहनेगी। उसके बाद कह रही है, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वालिन सन फिरेगी। ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर का जो वस्त्र होता है, जो पीला वस्त्र होता है, वो गोपियाँ धारण करेगी और उसके बाद हाथ में वह लाठी लिए वन में गाय चराने के लिए भी तैयार है। क्या कहती है कि जैसे श्री कृष्ण गोकुल के ग्वालियर बन के गायों को चराते हैं, उसी प्रकार हम भी हाथ में लाठी लिए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, हम गोपियाँ भी गोकुल में गायों को चराने के लिए तैयार हैं। भावतो वो ही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण उनके मन को भाग गए हैं। भावतो वो ही का अर्थ है जो श्री कृष्ण, वो ही यानी कि वह श्री कृष्ण जो है वो मन को भाग गए हैं, अतः वह सखी के अनुरोध पर कृष्ण का पूरा स्वांग रचने को तैयार है। कृष्ण का पूरा स्वांग, जो भी कृष्ण, श्री कृष्ण अपने दिनचर्या में करते आए हैं, वो ही गोपियों को धारण करना है, वो ही स्वांग श्री कृष्ण सॉरी गोपियों को भी रचना है। किंतु श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को वह अपने होठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं, अधरान धरी अधरा न धरोगी। अधरान, अधरों के ऊपर यानी होठों के ऊपर जो श्री कृष्ण मुरली अपनी रखते हैं और बजाते हैं, लेकिन गोपियाँ सभी कार्य श्री कृष्ण के करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ वो एक कार्य नहीं करेगी। वो कौन सा है? वो ये है कि वह श्री कृष्ण के होठों पर यानी अधरों पर धारण की हुई जो बांसुरी है उसको अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करेगी। श्री कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली तो उसके लिए स्वतन के समान है, यानी वो जो बांसुरी है, बांसुरी और श्री कृष्ण के जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो घनिष्ठ संबंध है वो बांसुरी और श्री कृष्ण के मध्य है, और उस घनिष्ठ संबंध से गोपियाँ थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर चलती है। तो
बांसुरी को वह गोपियां जो है वो अपनी स्वतन मानती है, स्वतन यानी कि कोई दूसरा मानती है, यानी वो जैसा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाती है वह श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति वैसा प्रेम नहीं दर्शाती है, तो वह जो बांसुरी है उसे गोपियां स्वतन मानती है। तो इसीलिए जो श्री कृष्ण की बांसुरी है उसे अपने होठों पर गोपियां रखने को कभी भी तैयार नहीं होगी। तो इस प्रकार बताया है कि प्रस्तुत सवैये में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम बताया गया है कि कोई भी प्रेमी अपने और प्रिय के बीच किसी और तीसरे को स्वीकार नहीं कर सकता, गोपियां भी अपने और श्री कृष्ण के बीच में उस बांसुरी के समान स्वतन को स्वीकार नहीं कर सकते, और वह भाव सुंदरता को प्रस्तुत करता है। गोपी अपनी सखी से अनुरोध करने पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करना स्वीकार कर लेती है। तो इस काव्यांश में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने जीवन में दिनचर्या जीते हैं वैसे ही गोपियों को भी उसी प्रकार की दिनचर्या अपने जीवन में अपनानी है। तो ये था तीसरा काव्यांश। चौथा काव्यांश पढ़ते हैं हम। काननी दे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गे है, तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कोई कितनो समुझे है, माई रे वाह मुख की मुस्कानी संहारी न जेवे न जिये न जिये। क्या कह रहे हैं कि काननी यानी कि कानों में, दे यानी देकर, अंगूरी यानी कि अंगुली, ल को पहले र में लिखा जाता था, ब्रज भाषा में हमेशा ल को र में लिखा जाता है, इसी प्रकार यह अंगूरी अंगुली बोला है, रही वो यानी रहूंगी, धुनी धुन बजे है यानी बजाता है, मोहिनी मोहित करने वाली, तानन तानों से, जो बांसुरी की जो धुन है जो उसकी तान है जो स्वर है उससे मोहित करना, अटा यानी कि अट्टालिका महल, अट्टालिका जो ऊपर कुछ बनाया हुआ था जिसके चढ़कर हम वहाँ पर बैठ जाते हैं, बहुत ऊपर का स्थान कह सकते हैं उसे, गोधन यानी कि एक लोकगीत, गोधन एक लोकगीत है, गेह यानी गाय, तेरी यानी पुकार कर, सिगरे सारे काल ही यानी कि कल, कोई भी माई री मतलब कि हे माँ, वाह यानी कि उस, संभाली ना जेवे यानी संभाली नहीं जाएगी, संभाली यानी कि संभाली नहीं जाएगी। तो कह रहे हैं कि काननी दे अंगूरी रहे बे जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, क्या कह रहे हैं, कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न गोपी कहती है कि यदि किसी प्रकार उसे कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ जाए तो वह अपने वश में नहीं रह पाएगी। कह रहे हैं कि काननी दे अंगूरी रहे बे, अंगूरी यानी कि अपने वश में नहीं रह पाएगी जब ही मुरली धुन सुने मंद बजे है, जब श्री कृष्ण के बांसुरी की मंद मंद मीठी मीठी धुन बजेगी तो वो उस धुन को कौन, गोपियां जो है वो अपने वश में, उस धुन को अपने आप को वश में नहीं कर पाएगी और उसकी धुन को उसको सुनने के लिए आतुर होना ही पड़ेगा। हाय रे माँ, कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मन भावन है कि उसके जादू से बचा नहीं सकता, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़े गोधन गेह तो गेह। कह रहे कि हाय रे माँ, कृष्ण के चेहरे की वो मनोहर जो मुस्कान है वो ऐसी मन भावन है कि उसके जादू से कोई उसे बचा नहीं सकता, यानी श्री कृष्ण की जो मुस्कान है उस पर सभी मोहित हो जाते हैं। तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी कोली को कितने समझे गए, गोपी कानों में अंगुली इसलिए डालना चाहती है क्योंकि उसे श्री कृष्ण के वश में हो जाने की आशंका है, यानी अगर उसने कानों में अंगुली नहीं डाली, अगर उसने श्री कृष्ण के बांसुरी की वो मधुर धुन सुन ली तो वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएगी और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती, इसलिए गोपियां अपने कानों पर अंगुली रख लेती है ताकि श्री कृष्ण के बांसुरी की जो आवाज़ है वो गोपियों को सुनाई नहीं दे, तो उसे डर है कि वो मुरली के मधुर तान सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। रसखान ने यहाँ पर ब्रज भाषा के प्रयोग में करते हुए बताया है कि किस प्रकार से गोपियां हैं जो वो अपने आप को वश में नहीं करना चाहती, किसके, श्री कृष्ण के लिए अपने आप को वश में नहीं करना चाहती अगर उसने श्री कृष्ण की मधुर धुन सुन ली, इसीलिए उस धुन को नहीं सुनने के लिए वो अट्टालिका पर चढ़ जाती है, बहुत ऊपर स्थान पर चढ़ जाती है ताकि श्री कृष्ण के बांसुरी धुन उनके कानों तक नहीं लग सके, अगर उनके कानों तक लग गई तो वो श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएगी और ऐसा वह होना नहीं देना चाहती। तो ये था तीसरा और चौथा काव्यांश जो हमने पढ़ा भाव दो में।